और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। आरआरटीएस को लेकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की वर्कशॉप, रिको की ओर से वर्कशॉप का हुआ आगाज। होटल ललित में वर्कशॉप जारी, अलवर के पास सोता लाना तक आ रहा है आरआरटीएस। वर्कशॉप में सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस सुबोध अग्रवाल, प्रमुख सचिव भास्कर सावंत मौजूद। रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम की प्लानिंग को लेकर मंथन जारी। एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स से सोता नाला तक है ये सिस्टम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है आरआरटीएस की, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, ये जो बैठक है इसमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लेकर मंथन किया जा रहा है। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये दिल्ली में जो एनसीआर अर्बन कॉम्प्लेक्स है, जो एसएनबी अर्बन कॉम्प्लेक्स है माफ कीजिएगा, उससे सोता नाला तक जा रहा है। जो सोता नाला वह क्षेत्र है जहां अलवर से और जयपुर के जो सीमा है वो लगती है, यानी कि हम सीधे तौर पर कहें तो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड ट्रेन चलाने का जो सिस्टम है, जो भविष्य की जो प्लानिंग है और जो भविष्य की महानगर की तस्वीर जो उभर कर सामने आती है, उसमें एक अहम आस्पेक्ट और एक अहम रोल ये अदा करने वाला है आरआरटीएस। तो इसको लेकर क्या तस्वीर होगी, किस तरह का ये फंक्शनल होगा, किस तरह से इसकी वर्किंग होगी और आज के जो आधुनिक युग है उसमें उस परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी है, ये सारी इन बातों को लेकर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन जो दिखाया गया था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से, उसमें ये कहा गया था कि चूंकि एनसीआर और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा जा रहा है और ऐसे में जो परिवहन के जो वैकल्पिक साधन है और जिस तरह से जो दूरियां हैं वो घट रही हैं आज के समय में, तो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के जरिए इसको और उन्नति पर ले जाए और व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले, किस तरह से एक परिवहन के आम साधनों के अपेक्षा अधिक उन्नत साधनों की ओर जाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि बिल्कुल ऋतुराज, क्योंकि ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है और कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जा रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।